आखिर नागौर पुलिस 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को क्यों दे रही जानकारी। आपको बता दें कि दुगास्ताऊ के नरपत सारण हत्याकांड के मुख्य आरोपी इनामी बदमाश राजेंद्र उर्फ राजू नेतड़ को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुख्ता सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नागौर पुलिस की स्पेशल टीम ने 2 दिन पूर्व ही आरोपी को हिरासत में ले लिया था, लेकिन 2 दिन बाद मामले की जानकारी मीडिया को प्रेस नोट के जरिए दी गई। पुख्ता सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 2 दिन पूर्व नागौर SP राम मूर्ति जोशी के निर्देशन में खींवसर थानाधिकारी के नेतृत्व में बनी स्पेशल टीम ने 2 दिन पूर्व जयपुर से गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन 2 दिन तक आरोपी को हिरासत में रखने के बाद आज नागौर पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना प्रेस नोट के जरिए मीडिया को दी। नियमानुसार किसी भी मामले के आरोपी को हिरासत में लेने के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करना पड़ता है, लेकिन नागौर पुलिस ने आरोपी को 2 दिन बाद गिरफ्तार दिखाया है। गैंग वार की घटना हुई थी जिसमें जाहिल इलाके में गैंगस्टर नरपत सारण मगरा ने एक व्यक्ति नरपत सारण को बुरी तरह मारपीट कर स्थानीय हॉस्पिटल तरनाव में के सामने पटक के चले गए थे, जिसके बाद में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो ये एक गैंगवार की घटना थी जिसमें सारण गैंग और ये नेतड़ गैंग इनके बीच करीब 2019 से जो गैंगवार शुरू हुआ था उसकी परिणति का ये लेटेस्ट अपराध था जो जिसमें कि नरपत सारण की हत्या हुई। इस हत्या के केस में अब तक हम 9 दुर्दांत अपराधियों को गिरफ्तार कर चुके हैं, लेकिन इसका जो मोस्ट वांटेड था गैंग लीडर था राजू नेतड़, जिसपे मान निरीक्षक महोदय ने इनाम भी घोषित कर रखा, अजमेर रेंज के मान निरीक्षक महोदय ने इनाम भी घोषित कर रखा था। वो जून से लगातार फरार था और फरारी काट रहा था और हमारी पुलिस भी लगातार उसका बिना थके पीछा करे जा रही थी। कई अवसर ऐसे आए हमारे इस दौरान कि बिल्कुल हमारे हाथ आता आता वो निकला। मुंबई में एक जगह एक स्थान पे तो ऐसा हुआ कि हमारे जाने से हमारी टीम पहुंची उससे करीब करीब मुश्किल से कोई 7-8 मिनट पहले इसने ठिकाना छोड़ दिया। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।